आज तक ये तो सुना था कि मुगलों की वजह से हमारे देश में गरीबी है या फिर मुगलों की वजह से हिंदू जो है वो खतरे में आ चुका है, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूं कि मुगलों की वजह से या फिर मुस्लिम बॉयज जो है वो हिंदू लड़कों को मास्टरबेशन करना सिखाते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूं बहुत ही नॉनवेज तरीके की बात है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम यहां पर सच दिखाना है और जो चीज मेरे सामने आती है मैं एज इट इज आपके सामने उसको रखने का काम करता हूं। एक वीडियो निकल कर आई है एक सो कॉल्ड हिंदू की, एक हिंदू टीचर की वीडियो है, सोचिए, जो कि स्मार्ट क्लास पढ़ाने का काम कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन उस क्लास में वो कॉन्वेक्स कॉन्क्लेव मिरर के अलावा क्या बोलता है, वो ये कहता है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कों को मास्टरबेशन करना सिखाते हैं। मुस्लिम लड़के आपको ऐसे दिखेंगे, उनके कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो हिंदुओं के लड़कों को एडल्ट मूवीज दिखा रहे हैं, पॉर्न मूवीज दिखा रहे हैं। इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा, साथ में आपको इससे जुड़े हुए कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो कि असली में इसकी हालत बताने का काम करेंगे। यानी कि ये आदमी पूरी तरीके से फटे हाल हुआ पड़ा है और ये आदमी इस चीज की गुहार भी लगा रहा था नरेंद्र मोदी से, लेकिन हर चीज में जिहाद पता नहीं इनको कहां से दिख जाता है। भाई अगर इतना दिमाग तुम अपने काम पे लगाओगे तो तुम्हारी जो फटे हाल पंती है ना ये एटलीस्ट खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। दोस्तों अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचा का काम करेगा, विच मींस इन चड्डीधारियों की चड्डी में और ज्यादा आग लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक टीचर का वीडियो निकल करके सामने आया और मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को ट्विटर पे शेयर करने का काम किया। सोचिए अपने आप में कितना घटिया ये वीडियो है जहां पर मास्टरबेशन की बात एक टीचर करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मास्टरबेशन की बात का कोई टाबू होना चाहिए या फिर हो ये तो बहुत गंदी बात है, ये सब चीजें सेक्स एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हमारे देश में जिसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ये आदमी, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मास्टरबेशन के नाम पर जिहाद की बातें कर रहा है, साथ में ये ऐसी बातें समझा रहा है, ऐसी दकियानूसी बातें समझा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को जो कि मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कतई भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये आदमी जो है सेक्स के बेसिस पे समाज को डिवाइड करने का काम कर रहा है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा घटिया बात है। मैं आपको बिना किसी देरी के इसका ये 2-2.5 मिनट का वीडियो है जो आपको दिखाना चाहता हूं और इस वीडियो में कितना ज्यादा गोबर भरा पड़ा है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में जो आए उसको बिना सोचे बिना समझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। जरा देखो इस वीडियो को। मालूम है क्या, आप हिंदू लड़कियों को पटा रहे हो वो तो आपको पता है, लेकिन हिंदू लड़कों को भी बर्बाद किया जा रहा है। मुस्लिम लड़के आपको ऐसे दिखेंगे, उनके कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो हिंदुओं के लड़कों को एडल्ट मूवीज दिखा रहे हैं, पॉर्न मूवीज दिखा रहे हैं, और पॉर्न मूवीज देखने के बाद में, एडल्ट मूवीज देखने के बाद में क्या होगा, आप में एक्साइटमेंट आएगा, और जब आप में एक्साइटमेंट आएगा तो आप क्या करोगे, या तो आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढोगे जिसके साथ में आप सेक्सुअल रिलेशन बना सको। अब अगर आपको वो लड़की मिल गई तो अच्छी बात है, और नहीं मिली तो क्या होगा, फिर आप मास्टर बुलेट करना शुरू कर दोगे। ओ भाई मास्टर बुलेट क्या होता है यहाँ पे, भक्तों को हर चीज में मोदी के जुमले को क्यों घुसेड़ना होता है। अच्छा हुआ इस आदमी ने मास्टर बुलेट ट्रेन नहीं बोला यहाँ पे, मुझे लगता है कि इसी आदमी के अंदर शायद कूट कूट के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भरी और इसीलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर करने का काम कर रहा है। भाई पढ़ाई लिखाई तो मुझे लगता है इसको आती नहीं होगी, अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो इस बात के ऊपर बहुत बड़ी हैरानी हो रही है यार। जरा इसके प्रवचन आगे भी सुन लो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिंदुओं के लड़कों के साथ में हो रहा है, हिंदुओं के लड़कों के सेक्सुअल पावर को कम करने का भी जिहाद चल रहा है जो अभी नहीं मालूम। अंदर ही अंदर हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारा जो रिलीजन के लड़के हैं उनको कैसे खाया जा रहा है अभी ये जानकारी नहीं है। आप देखना, ये नोट कर लो, ये मेरा वीडियो संभाल के रखना, आपको दिखेगा आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये दिखेगा कि हमारे लड़कों के जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, उनकी जो सेक्सुअल पावर है, या यूं कहा जाए उसको डिमिनिश किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। हिंदुओं के लड़कों की सेक्सुअल पावर को कम करने का पूरा मिशन चल रहा है जो हमारे को अभी तक पता ही नहीं है। भाई ये कहां से आ रहा है गोबर ज्ञान, मुझे समझ में नहीं आता, भक्त आखिरकार खाते क्या है और कराने वाले कौन है। यही आप देखो, मोस्ट ऑफ द इस तरह की अब तो वेब सीरीज आने लग गई है इस तरह की, उनके डायरेक्टर्स, उनके एक्टर्स कौन है, मोस्टली आप पाओगे वो मुस्लिम है, मोस्टली आप पाओगे वो मुस्लिम है, और उनको देखने वाले कौन है, उनको देखने वाले मुस्लिम नहीं है, उनको देखने वाले हिंदू लड़के हैं।
अच्छा हिंदू लड़कियां भी हैं, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को तो इतनी आज़ादी मिलती नहीं है, हिंदू लड़कियों को भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, फिर वो उसके बाद में वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे और उनको कोई पार्टनर मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो भी करेंगी। तो ये जो जिहाद है, अब इसको क्या नाम देना है, इसको आपको जो नाम देना हो वो आप दे दो, लेकिन यू विल फाइंड, आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि ये जिहाद भी हमारे समाज में। वेब सीरीज के डायरेक्टर्स मुस्लिम हैं और वेब सीरीज को देखने वाले मुस्लिम नहीं है, ये कहां से आ रही है बातें मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इन बातों का कोई प्रूफ नहीं और इन बातों को बकायदा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो कि मेरे दिमाग को पूरी तरीके से इस टाइम पर खराब कर रही है बात। तो यही होता है जिस कंट्री में सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती ना, वहां पर ऐसे ऐसे गधे आके इसी तरीके का ज्ञान पेलने का काम करते हैं। लेकिन इस तरीके का जिहाद ये मैंने यहां पर पहली बार सुना है और इसके लिए मैं अंधभक्तों के दिमाग की, इनके इनोवेशन की दाद देना चाहूंगा। आखिरकार नया नया गोबर भक्तों, तुम रोज रोज लाते कहां से हो भाई? लव जिहाद हमने समझ लिया, लैंड जिहाद हमने समझ लिया, लेकिन ये मास्टर बुलेट जिहाद आखिरकार क्या है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। सो कॉल्ड हिंदू सो कॉल्ड टीचर का आपको थोड़ा सा बायोडेटा भी पढ़कर बता देते हैं। मोहम्मद जुबेर ने ही यहाँ पर शेयर करने का काम किया था। इसका नाम है ललित सरदाना और ये जो है यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है सरदाना ट्यूटोरियल्स और यहाँ पर IIT JEE एडवांस की पढ़ाई कराई जाती है। IIT JEE एडवांस का तो पता नहीं, लेकिन मास्टर बुलेट एडवांस की पढ़ाई यहाँ पर जरूर कराई जाती है। इसके अलावा आपके सामने इसके कुछ स्क्रीन शॉट्स भी रखना चाहता हूँ। ये आदमी थोड़े दिन पहले यानी कि जुलाई के महीने में किस तरीके से अपने फटे हाल पहने की गुहार लगा रहा था नरेंद्र मोदी से, यानी कि जेब में अल्लाह ढिल्ला नहीं है लेकिन हर चीज में जिहाद जरूर ढूंढना है। कोविड से पहले हमारे स्कूल और कोचिंग अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, तो कोविड के बाद मुझ पर बैंक और बाहर का कर्ज मिलाकर 26 करोड़ से अधिक कर्ज हो गया है। 26 करोड़ का कर्ज लेकर ये आदमी बैठा हुआ है और दूसरी तरफ बच्चों को मास्टर बुलेट का ज्ञान दे रहा है, वाह। जबकि इसी कोविड में हमारे स्कूल ने मात्र 9000 रुपए में पढ़ाया और ऑनलाइन कोचिंग पर सालाना मात्र 999 में पढ़ाया और इस दौर में हमने ना तो किसी टीचर को हटाया और ना ही टीचर की सैलरी कम करी है। ये सारी नेकी लेकिन मेरी किसी काम नहीं आ रही है। अब हमसे खर्चे सहन नहीं हो पा रहे, मैं और मेरे परिवार के पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरा कर्जा माफ करा दो, किंतु आप मुझे 2 से 3 साल का अवसर दिलवा दो जिसमें मैं वापस खड़ा हो सकूं और एक एक पाई पाई वापस लौटा सकूं। आशा करता हूं कि आपसे सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा और सबसे बड़ी बात यह कि ये दोनों ट्वीट जो हैं 3 और 7 जुलाई के हैं। दूसरा ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पर स्टडी अड्डा के पूरे हैंडल्स इसको ट्वीट किया गया है। PMO@NarendraModi प्रधानमंत्री जी, कोविड के कारण मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं। पहले मेरी बैंक कि एक भी किश्त एक भी दिन लेट नहीं होती थी, एक भी रुपए से बाउंस नहीं होती थी। मेरे परिवार के पास अब मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्या मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता हूं? भाई जब तुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तेरी जिंदगी में इतने सारे कष्ट आए हुए हैं बुढ़ाऊ, तो आखिरकार तू इस तरीके की जहरीली बातें कर क्यों रहा है? काम पे ध्यान दे, 2 रुपए कमा, अपने परिवार को संभालना। इसी के अलावा आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये आदमी जब पकड़ा गया ऐसी बातें फैलाता हुआ और हमारे देश में जहर घोलता हुआ पकड़ा गया, तो इसने क्लैरिफिकेशन वीडियो बना करके डाला है जिसका स्क्रीनशॉट आपको यहां पर रखने का काम कर रहा हूं। इसने एक ऐसा ही वीडियो बना करके डाला, इसी कलर की टी शर्ट पहन करके डाला और सेम टॉपिक को समझाने का सेम तरीके से काम किया, लेकिन उस वाले पार्ट को पूरी तरीके से यहां पर हटा दिया। लेकिन ये एक अलग वीडियो है और जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई वो पूरी तरीके से अलग, शायद थोड़ी सी पुरानी वीडियो है। और ये मुझे इसलिए पता चला कि यहां पर जो टी-शर्ट इसने पहनी हुई है आज वाली वीडियो में वो पूरी तरीके से एक नई टी-शर्ट है। उस वाली वीडियो में जो टी-शर्ट पहनी थी उसके ऊपर लिखा हुआ था सरदाना, इस वाली टी-शर्ट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, विच कंप्लीटली शोज कि अभी भी आदमी अपने गंदे कामों को छुपाने का काम कर रहा है, वो भी झूठ बोल के। ये है हमारे देश के सो कॉल्ड हिंदूवादी लोग, हमारे देश के हिंदुत्व वाले लोग। धर्म के बारे में इनको चवन्नी का भी ज्ञान नहीं होगा। 4 वेदों के बारे में पूछ लोगे, उपनिषद के बारे में पूछ लोगे तो शायद ही उनके भी नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिहाद के नाम पर ये एकदम से पता नहीं कहां पर कीड़े की तरह एक्टिवेट हो जाते हैं और जगह जगह गंदगी फैलाने का काम करते रहते हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे जरूर बताना। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक भयंकर ट्रेंड चल रहा है और वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जहां पर लिखा गया है बॉयकॉट गैंग TMKC। TMKC जो है इसमें एक गाली है ऑब्वियसली, और यहां हॉलीवुड की तरफ से बॉयकॉट गैंग को एक जवाब दिया जा रहा है। मतलब ये जो लड़ाई थी जो एक तरफ से चल रही थी पहले कि बॉयकॉट बॉलीवुड या फिर बॉयकॉट अर्जुन कपूर, अब ये दूसरी तरफ से भी चलने लग चुकी है। और शाहरुख खान के फैंस, जहां पर जो मुझे ट्वीट इसमें नजर आए वो ज्यादातर वही थे जहां पर शाहरुख खान के फैंस ने ट्वीट कर रखा है। शाहरुख खान के फैंस ने इस टाइम पर मोदी के भक्तों की पूरी तरीके से पुंगी बजा करके रख दी है। 1.5 लाख से ऊपर इस टाइम पर इस पर ट्वीट है और ऐसा माना
कहना चाह रहे हैं कि और ज्यादा ये बढ़ेंगे और ये जो बॉयकॉट गैंग है इसकी चड्डी पूरी तरीके से आज गीली होनी पक्की है। आपकी क्या राय इस मैटर के ऊपर ये मुझे जरूर बताएगा। साथ ही मेरी एक डोनेशन ड्राइव चल रही है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं जानता हूं कि आप लोग इसमें मेरे साथ जरूर आएंगे क्योंकि यार यूट्यूब ने ऐसी वीडियोस के ऊपर पैसे देना बहुत कम कर दिया। ऐसे में आप लोगों से हमारी आखिरी उम्मीद है, तो प्लीज आगे आइए, हमारी मदद करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मास्टर बुलेट वाले से संगियों से प्लीज बच के रहिएगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।